Hey lovely parents, very warm welcome to Mom and Pop World. Friends, आज हम डिस्कस करेंगे बेबीज के माइलस्टोन, एक महीने से लेके 12 महीने तक जो भी वो माइलस्टोन अचीव करते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे आज. आपका बेबी किस मंथ में क्या माइलस्टोन अचीव करता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं उसके अंदर, वो डिस्कशन करेंगे. लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए. तो चलते हैं डिस्कशन की ओर. तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने बेबी को दूसरों बेबी के साथ कंपेयर मत कीजिए. हर बेबी अलग होता है, हर बेबी यूनिक होता है. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सामने वाले का जो बेबी है या पड़ोस वाले का बेबी है वो जल्दी चलना सीख गया और मेरा बेबी चलना ही नहीं सीख रहा. तो प्लीज़ अपने बेबी को दूसरे बेबीज़ के साथ कंपेयर ना कीजिए. आपका बेबी अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से खुद ब खुद सब सीखेगा. कभी भी ना बच्चे पे प्रेशर डालिए, ना अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए. आप इससे बस टेंशन के शिकार होंगे और कुछ नहीं, बेबी तो अपने स्पेस से ही बढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ. जो नए बेबीज होते हैं वो तो सारे वक्त सोए ही रहते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तभी वो जागते हैं. नए बेबीज़ जो होते हैं उनको कुछ भी अगर चाहिए होता है, चाहे भूख लग रही होती है या सुसु पॉटी लग रही होती है, तो हर चीज़ अपनी रो कर ही कम्युनिकेट करते हैं. आपके उसके रोने की आवाज़ को समझना होगा. साथ ही जो नए बेबीज़ होते हैं उनके जो आई की विजन होती है वो बस 8 से लेके 12 इंच तक ही होती है. यानी उसके बाद का जो भी विजन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो उन्हें ब्लर दिखाई देता है या ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है. तो आप अगर ऐसा सोच रहे कि न्यू बॉर्न बेबी को आप दूर से ही खड़े होकर हाई बोलेंगे तो वो आपको देख नहीं पाएंगे, बिकॉज उनकी देख पाएंगे बट उनकी विजन ब्लर होती है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देगी. उनकी जो साइटेडनेस होती है वो नियर बाय वाली होती है, इसलिए वो सिर्फ 8 से 12 इंच की दूरी तक ही देख सकते हैं. यानी आप जब अपनी फेस को उनके फेस के सामने लाएंगे तभी वो आपको पहचान पाएंगे. 2 से 3 महीने के बेबीज़ के बारे में अब आपको मैं बता रही हूँ. जो बेबीज़ 2 से 3 महीने के होते हैं वो थोड़े से उनका दिमाग अलर्ट हो जाता है और साउंड ऑब्जेक्ट्स को वो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे अगर उनके बगल में कोई ऑब्जेक्ट गिरा तो उन्हें झट से उनको समझ में आ जाता है कि कुछ गिरा है, तो वो स्टार्टल हो जाते हैं या डर जाते हैं. तो यानी उनका जो हियरिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है. दूसरे से लेके 3रे मंथ में ही बच्चे हाथों को इस तरह खोलना और बंद करना सीखते हैं और पैरों को इस तरह चलाना सीखते हैं. तो 2 से 3 महीने में बच्चे ऐसा करना सीखते हैं. साथ ही वो स्माइल करना भी सीख जाते हैं. तो 2 से 3 महीने के बच्चे को अगर आप चुचकारेंगे या पुचकारेंगे तो आपको छोटी सी स्माइल ज़रूर देंगे वो. तो यानी बच्चे आपके सीख रहे हैं, इसी स्टेज में स्माइल करना सीखते हैं. साथ ही बच्चे जब आप बेबी को टमी टाइम जो होता है, 3 मंथ के बेबी को आप जब उसके पेट के बल पे लिटाओगे तो बेबी हेड को इस तरह उठाना सीखेगा और अपने शोल्डर को इस तरह उठाना सीखेगा. यानी बेबी आपका उसके ये गर्दन और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपका बेबी रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो फिर आप बेबी को कोशिश करें 3 महीने में उसे टमी टाइम देने के लिए, जिससे बेबी अपने हेड को इस तरह उठाना सीखेगा. आपके बच्चे इसी समय 2 से 3 महीने के बीच ही स्माइल करना तो सीखते ही है, साथ में बैबल करना भी सीख जाते हैं. बै कुछ कुछ वो बोलते रहते हैं, अपनी भाषा में उनके कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो बोलते रहते हैं. तो 2 से 3 महीने में ही बच्चे, 2 महीने तो बहुत अर्ली हो गए, 3 महीने के आसपास जो बच्चे होते हैं वो बैबलिंग करना सीख जाते हैं. 2 से 3 महीने के बच्चे अब अपने पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को, जो आसपास के जैसे दादी हो गई, दादाजी हो गए, मम्मी पापा हो गए, उनको बहुत अच्छे से पहचानना शुरू कर देते हैं. उनको, उनके फेस को, उनकी आवाज़ को. माँ को तो बच्चे माँ की आवाज़ को पेट से ही, जब वो पेट में रहते तब से ही रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं. लेकिन बाकी जो उनके आसपास के लोग हैं, जो फ्रिक्वेंटली जिनकी आवाज़ वो सुनते हैं, उनकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं इसी एज में.
तो हियरिंग पावर बेबी की थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है 2 से 3 महीने में, क्योंकि वो फेमिलियर साउंड्स को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। साथ ही इस स्टेज में बेबी की जो विजन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, वो अब और थोड़ी ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और फेसेस को पहचान सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किसका फेस है और ये किसका फेस है। तो इस वक्त बेबी के विजन भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और हियरिंग कैपेसिटी भी स्ट्रांग हो जाती है 2 से 3 महीने के बीच। अब बात करते हैं 4th महीने की। जो बेबी 4th महीने में पहुँच जाते हैं वो बेबी आप देखेंगे बैक से लेकर टमी तक रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस वक्त इसी स्टेज में आपके बेबी सारे आपके घर के आसपास अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो भी खिलौने रहते हैं, उनको पहचानना शुरू करते हैं, उनके कलर को डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश करना शुरू करते हैं। तो 4th मंथ में बेबी ऐसा करना शुरू कर देते हैं और उनको उनकी जो विजन है वो पूरी स्ट्रांग हो जाती है। वो अब और भी दूर की चीज़ें देख सकते हैं। आप अगर दूर से बेबी को हाई बोलेंगे तो वो ज़रूर आपको देख पाएंगे कि ये मेरे फादर है या मेरे मम्मी है। 4th महीने में बहुत सारे बेबीज ऐसे होते हैं जिनकी टीथिंग इश्यूज भी शुरू हो जाती है, टीथिंग सिम्टम्स शुरू हो जाती है। बहुत सारे बेबीज़ के 4th महीने में ही दांत आना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है। और बहुत सारे बेबीज़ के बहुत लेट से भी दांत आते हैं, किन्हीं किन्हीं बेबीज़ के तो एक साल होने पर दांत आते हैं या उसके बाद आते हैं। तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि हर बेबी अलग होता है, अपने पेस के हिसाब से बढ़ता है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये हो गई टीथिंग की बात। और इस 4th महीने में ही बेबी अपनी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट्स आप उनको जो पकड़ाएंगे उसको वो होल्ड ग्रिप करना शुरू कर देते हैं, उनकी ग्रिप आ जाती है हाथों में। तो और साथ ही अपने खिलौनों को पहचानना शुरू कर देते हैं, उनका खिलौना कौन सा है वो पहचानते हैं और उनके उस खिलौने के पास जाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा थोड़े से पेट के बल वो क्रॉल करके या फिर हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस खिलौने की तरफ ताकि वो उसको ले सके। तो 4th मंथ में बच्चे ये सब करते हैं। अब बात करते हैं 5वें से लेकर 6ठे महीने तक। 5वें महीने में आपके बच्चे हंसना चालू कर देते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके बच्चे अगर आप उन्हें हंसाने की कोशिश करेंगे तो वो खिलखिला कर हंसेंगे 5वें महीने में। आपके बच्चे 6ठे महीने में उनकी जो सॉलिड फूड है वो स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे 6ठे महीने से सॉलिड फूड खाना चालू कर देते हैं। 5 से 6 महीने के बीच ही आप बच्चों को सपोर्ट से बैठा सकते हैं। आप एक तकिया या उसके पीठ के पीछे डाल दीजिए और उसे पकड़ के इस तरह बैठाइए तो बच्चे अपने बैक पे प्रेशर डालना सीख जाते हैं और बैठना विथ सपोर्ट, आई एम मेंशनिंग विथ सपोर्ट, बैठना सीख जाते हैं। और 5 से 6 महीने के बीच ही बच्चे पेट के बल से लेकर पीठ तक, मतलब पेट से लेके पीठ तक वो रोल बैक हो सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि पहले बेबी 4th मंथ में पीठ से लेके पेट तक आते हैं, 5 से 6 मंथ में वो सीख जाते हैं कि पेट से लेकर पीठ तक रोल ओवर कैसे होना है, यानी 360 डिग्री तक बेबी रोल करना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं 7वें महीने की। 7वें महीने में बच्चे विदाउट सपोर्ट बैठना सीख जाते हैं। जी हाँ, अगर आप उन्हें विद सपोर्ट 5वें से 6ठे महीने में सिखाते हैं तो वो 7वें महीने में विदाउट सपोर्ट बैठना सीख जाएंगे और उनकी विजन जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनकी हियरिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाती है। बच्चे बहुत अच्छे डेवलप करते हैं 7वें महीने में। इवन वो अपने पैरों पर जोर दे के खड़े, अगर आप उनको इस तरह खड़े करवाएंगे तो वो खड़े भी होने लगेंगे, विद सपोर्ट वो खड़े होंगे अपने पैरों में और घुटनों में जोर देकर। तो 7वें महीने में ये डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर। अब बात करते हैं 8 से 9वें महीने की, यानी फ्रॉम 8th to 9th मंथ। 8th to 9th मंथ के जो बच्चे होते हैं वो विदाउट सपोर्ट आराम से बैठ सकते हैं, यानी अपने बैक पे पूरी तरह सपोर्ट देके वो बैठ सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने में, आपको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही 8 से 9 महीने के बच्चों की मोटर स्किल बहुत हाई हो जाती है, उनके सुनने की, देखने की, बोलने की शक्ति बढ़ जाती है और वो कुछ वर्ड समझने लगते हैं, जैसे यस, नो, मम्मी, पापा, टाटा, तो ये सब वर्ड्स ये लोग बच्चे सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है।
साथ ही इसी महीने में अगर बच्चे क्रॉल नहीं इससे आगे वाले महीने में जो बच्चे क्रॉल नहीं करते हैं तो 8 से 9 महीने के बीच में बच्चे क्रॉल करना सीख जाते हैं, तो आपके बच्चे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है क्रॉलिंग, जो 8 से 9 महीने के बीच में ही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होते हैं कि क्रॉलिंग बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो क्रॉलिंग स्किप कर जाते हैं, वो सीधा चलना सीख जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर बच्चे नहीं चल रहे हैं या फिर क्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ में ज़रूर सीख जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए और ना ही बच्चों पे कुछ प्रेशर डालिए या अपने सर पे कोई प्रेशर डालिए, बच्चे अपने पेस से ज़रूर सीखेंगे। अब बात करते हैं 10वें महीने की। 10वें महीने में बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, वो इतना जल्दी जल्दी क्रॉल करेंगे या चलना सीख जाएंगे, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कोई भी खिलौना हो उनको खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या है। उनको कलर्स तरह तरह के इस वक्त कलर्स के टॉयज़ दीजिए ताकि वो उनके ब्रेन शार्प हो सके। तो 10वें महीने में ये डेवलपमेंट होता है बेबीज़ में। अब बात करते हैं 11 से 12 महीने के बच्चों के। इस बीच में इस स्टेज में बहुत सारे बच्चे चलना सीख जाते हैं, अगर नहीं चलना सीखते हैं तो भी आगे जाके सीख जाएंगे। बच्चों को पार्क में जाना बहुत पसंद होता है, खेलना बहुत पसंद होता है, दौड़ना बहुत पसंद होता है, तो इस स्टेज में बच्चों के ये सब डेवलपमेंट्स होते हैं। इस स्टेज में बच्चे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इवन एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो इस वक्त आपको बहुत अलर्ट रहना है कि आपके बेबी सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, ये सब थे डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1 मंथ टू 12 मंथ बेबीज़ के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। तो होप आप सबके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से कि आपके बच्चे कब चलना सीखेंगे और कब बोलना या हंसना सीखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातों के साथ। टिल देन टेक केयर।